हेलो एवरीवन, नेट ब्लॉग्स के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है नवीद। मैं बनाता हूं ट्रैवल, फूड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट, लेकिन कभी कभी जैसे कि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं या कुछ स्टोरीज होती हैं तो मैं ऐसे आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जैसे कि आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ब्लॉग और व्हाट इज ब्लॉगिंग और हाउ टू ब्लॉग। कुछ मैंने उसके डूज और कुछ डोंट्स बनाए हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आप नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करो तो आपके लिए और आपके चैनल के लिए अच्छा होगा। तो इसी के साथ चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई ऋत्विक हैं कल्याण के, जिन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो हम मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर होने के बाद अटेंड करेंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा मैं। और अभी मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है कि इस ब्लॉगिंग के एपिसोड के बारे में क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या आपको नहीं करना चाहिए इसे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डोंट से। सबसे पहला डोंट जो आता है ब्लॉगिंग में मेरे लिए वो ये है कि आपको नेगेटिविटी और हेट्रेड स्प्रेड नहीं करना चाहिए। आपके ब्लॉग में किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को हर्ट हो। तो ये मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा जो मैं नहीं करता हूं और ना ही मुझे लगता है कि लोगों को करना चाहिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां आपको कई हजार, कई सौ, कई हजार, कई लाख लोग देख रहे होंगे। तो ये नहीं करना चाहिए। वेल, ये करके तो आजकल लोग इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बन रहे हैं। नेक्स्ट चीज जो डोंट में आती है वो है अनप्लान्ड। कभी भी आप अगर ब्लॉग बना रहे हो या कोई भी वीडियो बना रहे हो तो आपको उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए होती है, थोड़ी सी आपको होमवर्क करना जरूरी होता है कि आप उस चीज में क्या करने वाले हो। इसी के साथ मैं आप एक सेकेंड पॉइंट मेरा कंटिन्यू करूंगा कि स्क्रिप्ट होनी चाहिए। स्क्रिप्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है आपके ब्लॉग्स में, आपके वीडियोज में। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने एक नोटबुक में बहुत सारा टेक्स्ट फॉर्म में, मतलब मैंने राइटिंग में लिख लिया है रफ आइडिया कि ये चीजें तो मेरे वीडियो में होनी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपको एक स्क्रिप्ट फॉलो करना चाहिए और अनप्लान्ड नहीं रहना चाहिए। ये डोंट में आता है। सबसे बड़ा सवाल जो आज तक मुझे आता रहा है और मैं उसका लाइव एग्जांपल रहा हूँ आंसर के फॉर्म में कि भाई मेरे पास कैमरा नहीं है, भाई मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मैं कैसे मेरा चैनल स्टार्ट करूं। तो भाई तुम्हारा भाई जो यहाँ बैठा है, देखो पैसा बचाना एक आर्ट है जिसमें भाई तुम्हारा स्मार्ट है। तो सबसे जो तुम्हारे में पास मिनिमम से मिनिमम, हाँ तो मैं कह रहा था कि मिनिमम से मिनिमम चीजें आपके पास जो अवेलेबल हो उस चीज से आप आपका व्लॉग बनाइए। और मेन चीज है व्लॉग बनाना, स्टोरी डिलीवर करना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास एक्सपेंसिव फैंसी आइटम्स हो, यार मेरे पास जब ड्रोन आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, यार मेरे पास जब लैपटॉप खरीद लूंगा मैं एसर का ये फीचर वाला तब मैं स्टार्ट करूंगा, मैं कैनन का 5D ले लूंगा तब स्टार्ट करूंगा। या तो आप एक्सक्यूजेस दे लो या तो आप व्लॉग बना लो। ये चीज दोनों में से आप एक कर सकते हो। मतलब व्लॉग बनाना जरूरी नहीं है, बना लो तो अच्छा है। फोन को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब मैं किसी को बताता भी हूँ कि यार मैं फोन से शूट करता हूँ, फोन से बनाता है, क्या ही बना लेता होगा भाई। फोन को हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। फोन में 4K शूटिंग होता है, टाइम लैप्स होता है, स्लो मोशन होता है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम फोन के यूज करके हमारे वीडियो का वजन बढ़ा सकते हैं और उससे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारी स्टोरी में जान डाल के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक चीज है जो आप अंडर एस्टिमेट मत करो। फोन को फोन से स्टार्ट करो। एक्सपेंसिव आइटम्स लेने का, एक्सपेंसिव गेयर्स लेने का वेट मत करो। क्या गेयर्स मैं यूज करता हूँ वो मैं आगे बताऊंगा। अपने वीडियोस को कभी भी एकदम जूम्ड इन मत रखो। ये वाला फॉर्मेट कैसा दिखा आपको? मैंने करीबन सिर्फ 20% एरिया मेरे वीडियो का ऑक्यूपाई किया है, बाकी का सारा आपको सीनरी दिख रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है वीडियो। यही मैं अगर इतना सामने आके बात करूं तो कितना अनइंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत बड़ा थोपड़ा मेरा ऐसा कैमरे में दिखेगा, तो ये बहुत ही गंदा दिखेगा। और अगर मैंने वही इतना दूर बैठ के कंफर्टेबल आप लोगों से बात की तो कितना, मतलब सेंसेबल लग रहा है इन शॉर्ट। तो ये एक चीज फॉलो करो। आप कंप्लीट किए कुछ डोंट्स जो बहुत ही सिंपल थे कि ये चीजें मत करो। अब आपको करना क्या है एक्चुअली मेरे हिसाब से वो बताया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट करना ये है कि खुद जो आप हो, बी योरसेल्फ। आप कोई फेक पर्सनालिटी बनने मत जाओ इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, वो ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा। आप जो रियल लाइफ में हो, जैसे कि मैं एक ट्रैवलिंग पर्सनालिटी हूँ, जैसे मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, भले ही वो स्ट्रेंजर्स हो, भले ही मेरे दोस्त हो, भले ही कोई ना हो, अकेले, ग्रुप या स्ट्रेंजर्स, मैं निकल पड़ता हूँ घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ये मेरी पर्सनालिटी, तो वही मैं मेरे चैनल के थ्रू एक्सप्रेस करता हूँ। तो जो आप हो रियल लाइफ में वो आपके यूट्यूब चैनल के YouTube चैनल पर भी रिप्रेजेंट। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट वो है कि बी रिलेटेबल, यानी आप जिन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हो वो आपको कनेक्ट कर पाए, वो आपके वीडियोस को रिलेट कर पाए।
हम अकेले बैठ के भले ही रिंकिया के पापा गाना सुनेंगे, लेकिन जब हम ग्रुप के साथ होंगे तो हम दिखाएंगे जस्टिन बीबर के गाने सुनते हैं। तो वो एक कूल लाइफस्टाइल हम दिखाते हैं और एक्चुअल में हम कुछ और होते हैं। लेकिन आप जब इस प्लेटफॉर्म पे हो तो आप रिंकिया के पापा दिखाओ तो वो ज्यादा क्या बोलते हैं एडमायर किया जाएगा, और वो क्योंकि अकेले बैठ के बनता ना वो कर रहा होता है वो रिलेट करेगा कि यार ये तो मैं हूँ, ये तो मैं करता हूँ, और तो ये बंदा तो अपना ही हुआ, एक अपनापन फील होगा इस चीज के थ्रू। ये एक एग्जांपल दिया मैंने। जो लैंग्वेज आप यूज करो, जो टोन आप एक्सप्रेस करो, वो लोगों को समझ में आनी चाहिए, वो उसको डाइजेस्ट करनी चाहिए। जैसे कि मैं जो ये बात बोल रहा हूँ आप लोगों को समझा, आपके ब्रेन ने उसे प्रोसेस किया और आपको वो अंडरस्टूड हुआ, तो ये मेरा गोल अचीवमेंट हो गया कि कम्युनिकेशन किया मैंने, इन्फॉर्मेशन डिलीवर किया, उसको आपको रिसीव किया, अब आप कमेंट में मुझे उसका रिस्पॉन्स दोगे, ये हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके वीडियोस के थ्रू, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, वैल्यूएबल, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका चैनल है, आपका वीडियोस है, तो उसका कुछ एक वैल्यू होना चाहिए लोगों के माइंड्स में और आपके लिए भी। जैसे कि आपके व्यूअर्स जो होते हैं वो आपके वीडियोस लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शेयर भी करते हैं, तो आप उनको क्या रिटर्न में दे रहे हो? वो हो सकता है इन्फॉर्मेटिव वीडियो के फॉर्म में, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जैसे वो कोई सवाल का जवाब बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो वो आप दे रहे हो, या वो मेरे वीडियोस हो सकते हैं जो आपको हैप्पीनेस दे रहे हो, तो ये एक रिटर्न में आप ऑडियंस को दे रहे हो, ये एक चीज होनी चाहिए आपके इसमें। और शेयरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपका वीडियो में वो बात होनी चाहिए कि लोग उसे शेयर करें। वो बात यार कोई भी कर लेता है, लेकिन बात करने का तरीका होता है ना, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके यूट्यूब वीडियोज में। YouTube चैनल खोल रहे हो और YouTube पे वीडियोस डाल रहे हो, तो कंसिस्टेंसी नाम का एक शब्द आपको पता होना चाहिए, यानी आपको कॉन्स्टेंटली एक वो टाइम पीरियड में अपलोड करना है। कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं है कि आप रोज वीडियो अपलोड करो, आप मतलब आपका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होना चाहिए, आप उसी तरह वीडियोस अपलोड करो आपके व्यूअर्स को, ताकि पता हो कि नवीद का वीडियो कब आने वाला है। जैसे मेरे व्यूअर्स को पता है कि वीकेंड्स पे मेरे वीडियो आते हैं, फ्राइडे सैटरडे या संडे को, ये तीन दिनों में मैं ड्रॉप करता हूँ, जिसके पहले मैं उन्हें पहले मेरी इंस्टा स्टोरीज और व्हाट्सएप पे स्टोरीज डाल के मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये वीडियो आने वाला है। तो ये ऐसा आप कर सकते हैं ताकि आपके व्यूअर्स अलर्ट रहें कि हाँ जब इसकी लिंक आएगी तो हमें पता होगा कि इसका वीडियो ऑलरेडी आने वाला था, और लोगों को पता होगा। जैसे आप कुछ चैनल्स पे जाते होंगे तो उस पे लिखा होता है वीडियो एवरी मंडे, वीडियो एवरी सैटरडे, तो ये ऐसा एक चीज आप कर सकते हैं, आपके चैनल के लिए एक टिप है कि आपके व्यूअर्स को पता होगा कि ये चैनल अलाइव है और इस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कब कंटेंट आने वाला है। आपका जो थीम है वीडियो, आपका जो चैनल का थीम है उस पे स्टिक रहो, आप छोड़ो मत। जैसे कि अभी मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है और कल को मैं सिंगिंग के वीडियोस डालूं, नहीं इतना जुल्म नहीं करेंगे हम। थंबनेल अच्छे यूज करो, क्लोजअप थंबनेल यूज करो कि जिसमें आपको क्लियर कट पता चल जाए उस वीडियो में क्या चीज होने वाली है, क्या चीज हमें देखने वाली है। ये यूट्यूब के हिसाब से टिप दे रहा हूं मैं। करना चाहिए वो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि स्क्रिप्ट फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ नोटबुक लेके बैठा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं ऑलरेडी एक रॉ फॉर्मेट में लिख चुका हूँ कि मुझे ये सारी चीजें कवर करनी ही है मेरे वीडियोज में, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे कम से कम इतना आउटपुट तो मिले। वो अलग बात है कि स्क्रिप्ट बनाने के हिसाब से हमेशा हमारा वीडियो आउटपुट नहीं रहता है, लेकिन एक रॉ आपके पास आइडिया ऑलरेडी होना चाहिए कि आपको करना क्यों है और क्या है। इंटरेक्शन विद योर ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपके लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हो, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो करीबन 150 से 200 कमेंट्स आते हैं, और मेरे जैसे वेले बंदे के लिए उनको रिप्लाई करना बहुत ही हार्ड नहीं है, क्योंकि आप बड़े ही कितने बड़े हो जाओ, लेकिन अगर आप आपके लोगों से इंटरेक्ट करो, कम्युनिकेट करो, तो उन्हें एक रिटर्न हम उनको कुछ दे रहे हैं तो ऐसा लगता है। ये नहीं कि हम हमारे वीडियोस पे अभी सिर्फ 25 से 30 कमेंट आ रहे हैं, लेकिन नहीं, हमको भाई घमंड है कि हमारे वीडियोस देखे जा रहे हैं तो हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मत करो, अपने जो भी कमेंट्स हैं सबको रिप्लाई करो। मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई देता हूँ, बात करता हूँ कमेंट्स में उनसे। आप देखोगे कभी कभी तो मेरे रिप्लाईज में 4 से 5 रहते हैं, वहाँ हम चैट करने लग जाते हैं कि अरे वो पार्ट एक अच्छा था, ये पार्ट अच्छा था, तुमने ये बोला, ये बहुत फनी लगा। ये ऐसा जब पब्लिक करती है ना, ये हमारा जो कि ये सक्सेस है। पैसा कमाना तो वो ठीक है, लोग कमाओ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही ज्यादा मुझे पूछा गया है कॉल कर करके। इनफैक्ट लोगों ने मुझे पूछा है इस क्वेश्चन के बारे में कि कैसे हम बिना कॉपीराइट स्ट्राइक आए म्यूजिक यूज करें। तो बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के अगर आपको म्यूजिक यूज करना है तो एपिडेमिक साउंड का सब्सक्रिप्शन ले लो, या YouTube लाइब्रेरी से फ्री में डाउनलोड कर लो, या सीधा YouTube पे सर्च मारो, व्लॉग म्यूजिक डाल सकते हो, या मेरा दोस्त है साईराज, वो म्यूजिक बनाता है, फिजा म्यूजिक नाम है उसके चैनल का, मेरे चैनल्स में ऐड कर दूंगा मैं, या आप सर्च कर लेना फिजा म्यूजिक।
आप उसके चैनल पे जा सकते हो। B3 आए हैं जो म्यूजिक बनाते हैं, बीट्स बनाते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो म्यूजिक बनाते हैं, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं चैनल आपको उनके भेज दूंगा। वो लोग म्यूजिक बनाते तो उनके म्यूजिक आप यूज कर सकते हो विद परमिशन और प्रोसीजर जो उनका होगा। ऋतिक मेरा एक दोस्त है कल्याण का, जो व्लॉगिंग चैनल अपना स्टार्ट कर रहा है, और भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे सफरनामा वाला वीडियोस देख के व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने से इंस्पायर हुए हैं। तो मैं उनके कुछ सवाल हैं और ऋतिक ने स्पेशली मुझे कुछ सवाल पूछे हैं, वो मैं अब आंसर करने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसके साथ। सबसे पहला सवाल जो ऋतिक ने मुझे पूछा है वो है कि भाई इक्विपमेंट्स क्या यूज करते हो आप व्लॉगिंग के लिए। तो इक्विपमेंट्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो है मेरे पास बोया का माइक, अभी लगा हुआ है, जो मैं यहाँ चाहिए तो उसका फोटो दिखा दूंगा। बोया का माइक है मेरे पास जो अराउंड 1600 रुपीस का है, ये मैंने कैमरा गली से खरीदा था जहाँ से मुंबई का निकल लेता है वहीं से। ये है वो बोया का माइक 1600 का, और ये है वो 250 का फ़ोन होल्डर। ये रहा मोनोपॉड और उसके नीचे लगाया हुआ ये गोरिल्ला पॉड, और ये रही मेरी स्क्रिप्ट। और मेरे पास उसके नीचे है फ़ोन होल्डर जो कि है अराउंड 260 रुपीस का। उसके नीचे है एक मोनोपॉड जो मैंने 600 के अराउंड ख़रीदा था, और उसके नीचे मैंने एक लगाया है मेरा गोरिल्ला पॉड जो ऐसे फ्लैट सरफेस पे स्टैंड जैसा लगा हुआ है अभी, वो है 500 रुपीस का। और मेरा फ़ोन साथ ही साथ मोटोरोला का मोटो X4 मैंने स्टार्ट किया है भाई फ़ोन के साथ ही, और अभी तक मैं फ़ोन के साथ ही कर रहा हूँ क्योंकि कोई इनकम खास क्या इनकम कुछ हुई नहीं है अभी तक मेरी YouTube से, अभी तक स्ट्रगल ही चालू है। और मेरा गोल ये है कि जैसे ही मेरा YouTube से कुछ इनकम होगा तो मैं वही इन्वेस्ट करूंगा मेरे ब्लॉगिंग के लिए, पेरेंट्स से नहीं लेना। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ब्लॉग्स के इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो वो मैंने शेयर कर दी स्टार्टिंग में डूज और डोंट्स में। और कुछ प्रो टिप ऐड करनी हो तो मैं बोलूँगा ब्लॉग में आप जो कि है आपका इन्फॉर्मेशन जल्दी क्विकली डिलीवर करो, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मत करो, वीडियोस को लॉन्ग मत बनाओ। और एज अ बिगनर आपको खास ज़्यादा लोग देख रहे नहीं होंगे, तो जो देख रहे होंगे उनको कॉन्स्टेंटली थैंक यू बोलते रहो, उनसे इंटरेक्शन करते रहो, क्योंकि वो लोग ही हैं जो आपको थोड़े से बड़ा बनाने वाले हैं, जैसे कि मेरे लिए आप लोग। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन ये है कि ब्लॉगिंग के लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, या एप्लीकेशन कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, और एडिटिंग करते वक्त एक ब्लॉगर को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं यूज़ करता हूँ भाई काइनमास्टर का प्रो वर्जन, और अगर आप सॉफ्टवेयर पे एडिट करें तो प्रीमियर प्रो का सॉफ्टवेयर है वो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ध्यान रखने की बात की जाए एडिटिंग में, तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि वो वीडियो मुझे देखने में अच्छा लगना चाहिए। जैसे कि जैसे मैं मेरा सबसे पहला वीडियो जब फाइनल हो जाता है मैं दिखाता हूँ मेरी बहन को, मेरी मम्मी को और पापा को कभी कभी, लेकिन खास मैं दिखाता हूँ मेरी बहन को और मम्मी को। उनसे मैं पूछता क्या बोलते हैं पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जो मैंने हाइप बिल्ड करने का ट्राई किया था एडिटिंग में उनका उस पर रिएक्शन क्या आया, रिएक्शन आया नहीं आया, तो मैं उसे इम्प्रूव करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपलोडिंग पे जाता हूँ। तो ऐसे मैं करता हूँ, हमेशा मानना ये है कि एक दिमाग का ही काम करेगा। अगर तीन दिमाग होंगे तो तीनों का दिमाग जो कि है, जैसे गन्नू, संकेत और मैं, हम तीनों कोई भी एक ब्लॉग का आइडिया, जैसे दादर वाला हम लोगों ने बैठ के उसे डिसाइड किया था, प्री प्लान किया था कि हम क्या करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि बैठो चेक करो अपना काम कि आपको कैसा लगा। जैसे कि ये वीडियो जो है ना, ये मैं सेकेंड टाइम शूट कर रहा हूँ, पहला शूट हुआ था 28 मिनट्स का, मैंने वो पूरा डिलीट कर दिया, कल रात को शूट किया था वो मैंने, और मैंने बोला यार वो मज़ा नहीं आया, वो नेट का इन्फॉर्मेशन और क्या बोलते हैं थोड़ा थक भी गया था मैं काम की वजह से, तो मैंने बोला कल सुबह क्या बोलते हैं आप जाना नहीं है कहीं पे, तो फ्रेश होके बैठ के करेंगे। तो ऐसा आप भी करो ताकि आपके ऑडियंस को, ऑब्वियसली ये वीडियो मेरे चैनल पे रहने वाला है तो अच्छा ही कंटेंट हो, तो ये कुछ चीज़ें मैं फॉलोअप करता हूँ। तो ये था इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जिसे इसकी ज़रूरत हो उस तक पहुँचाओ, अपने दोस्त जो लोग यूट्यूब क्या बोलते हैं स्टार्ट कर रहे हैं या करते हैं यूट्यूब, कमेंट्स में आपके इस वीडियो के बारे में व्यूज़ बताओ, कमेंट सेक्शन भी भरना है, और लाइक का बटन दबा दो ताकि हमारा ये वीडियो और लोगों तक रिकमेंड हो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं। यार आप लोगों को क्या लगता है, मतलब ये जो 13 दिनों का फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है तो मतलब कब तक ऐसा चलेगा यार? मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ स्ट्रीट फूड, और क्या बोलते हैं मतलब जो बाहर दोस्तों के साथ घूमना, सी वुड्स जाना, मॉल जाना, घूमना, स्टारबक्स में बैठना, बहुत मिस हो रहा है यार वो सब।